सो ही गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, मैं हूँ आपका ऑस्टिन दोस्त हर्षानी। तो इंट्रो देना तो पहले बनता ही है। अब यार बात करते हैं आज के व्लॉग की। तो आज व्लॉग शूट करने का कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि कल है सैटरडे। तो मेरे को करनी है बाइक की चेन को क्लीन और ल्यूप, एंड हाथ चल रहा है थोड़ा टाइट। तो मोटरियल का सामान लेना थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो मैंने बहुत सोचा एंड बहुत रिसर्च करी एंड कुछ चीज़ें ढूंढी जिससे चेन क्लीन एंड ल्यूब्रिकेशन हम सस्ते में और घर पर कर सकते हैं, रादर देन जो हम बाहर जाके कराते हैं और जिसकी कॉस्ट अराउंड 400-500 पड़ती है। और जो मोटरियल का पड़ता है घर पर वो सस्ता पड़ता है, लेकिन स्टिल वो भी कॉस्टली पड़ता है। मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं कि हर्ष भाई कोई सस्ता जुगाड़ बताओ चेन क्लीनर लूप का, क्योंकि ये चीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी से चलते हैं मार्केट में, एंड मार्केट में मैं डीएसएलआर लेके नहीं जाऊँगा, कुछ सामान है लेके आते हैं एंड आप लोगों को दिखाता हूँ क्या सामान लाया हूँ, कहाँ से लाया हूँ और कितने का लाया हूँ। जल्दी से चलते हैं, कैमरा को रखते हैं बैग में नहीं घर पे, एंड जल्दी से हम शूट करते हैं एक्शन कैमरा से। और बाइक नहीं निकालूँ क्योंकि बाइक कल निकलेगी। और बाइक में क्यों नहीं निकाल रहा, बाइक के अंदर आ रही है एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चेन क्लीन एंड लूप करेंगे। वो प्रॉब्लम क्या है आपको दिखाता हूँ। भाई ये रहा 90 नंबर का एचपी का गेयर ऑयल, और इसमें कैस्ट्रोल का भी आता है लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली था, तो हमें सस्ता लेना है तो सस्ते का जुगाड़ भी चल जाएगा। तो यही लिया मैंने अंकल जी, थैंक यू अंकल। तो भाई ये रहा गेयर ऑयल, और इतना सारा ही मतलब 1 लीटर है। 1 लीटर तो पता नहीं सालों साल 2 साल चल जाएगा। लेके इसको फिल करके रख दूंगा अपना, और जब भी ल्यूब करना होगा करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहता तो मैं चेन क्लीन और ल्यूब भी ले लेता, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता, प्लस मैं कैस्ट्रोल का भी ले सकता था वो भी कॉस्टली पड़ता, बट हमें कॉस्टली का काम नहीं है तो इसलिए वाला गेयर ऑयल बेस्ट है। जल्दी चलते हैं घर पर और घर चल के इसकी फिटिंग करते हैं। फिटिंग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो फाइनली आ चुका हूँ बाइक के पास में, और बाइक के पास आया हूँ, बाइक की कंडीशन थोड़ी गंदी है। यहाँ से आप देख सकते हो धूल मिट्टी कितनी हो रखी है, इंजन पूरा मैला हो रखा है। मेन इशू ये नहीं है, इशू क्या है ये देख सकते हो, बाइक की चेन एंड बाइक की चेन पूरी मैली हो रखी है। यहाँ तक कि जो येलो पार्ट होता है जहाँ से चेन का हम अंदाज़ा दिखाते हैं वो भी येलो हो रखा है, क्योंकि इतनी गंदी हो रखी है। मैंने 500 नहीं तो 1000 है उससे ज़्यादा किलोमीटर हो चुके हैं एंड इसको साफ़ नहीं करा। बारिशों के अंदर और ज़्यादा मिट्टी चिपक चुकी है। अब मैं आज एक देसी तरीका जो है उससे साफ़ करूँगा चेन क्लीन मोटूल के, तो मैंने करके दिखा चुका हूँ, उसका आई बटन में आप लिंक आ रहा है, अगर आप वो ले सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं लेना चाहते और सस्ता और बढ़िया जुगाड़ चाहते हो तो आज की वीडियो एंड तक देखना। एंड अब चेन गंदी होने से आप बोलोगे भाई क्या इशू आता है, ये तो भाई पार्ट है बॉडी का जैसे बाकी सब होता है, क्या हो गया। लेकिन इशू पता क्या आ रहा है, जब भी बाइक न्यूट्रल में होती है या फिर जब बाइक ऑफ होती है और बाइक चल रही होती है, आप समझ रहे हो, जैसे हम बाइक पहले ऑन ऑफ कर देते हैं, मेरी आदत है घर आने वाला होता है बाइक ऑफ कर देता हूँ, तो वैसे मैं कड़कड़ कड़कड़ आवाज़ सुनाई दे रही है। बाकी फिर मैंने उसके ऊपर ध्यान दिया कि भाई कौन सी आवाज़ है, फिर पता लगे कि मेरी चेन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है और उसकी आवाज़ से। मैं एक बार आप लोगों को चेन क्लीन एंड लूप करने से पहले सुना देता हूँ। आई डोंट नो आप लोगों ने सुना या नहीं सुना, लेकिन एक किटकिट किटकिट की आवाज़ आ रही है, जिससे क्या हो रहा है, जो क्यों आ रही है पहले बताता हूँ, क्योंकि जो मिट्टी है वो मिट्टी एक दूसरे टकरा रही है और जो चेन के ऊपर है वो चिपक चुकी है, जिसकी वजह से चेन जब आगे बढ़ रही है तो किटकिट की आवाज़ कर रही है। सेकेंडली इसका इफेक्ट क्या होगा, इंजन के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। थर्डली भाई माइलेज गिरेगी। फोर्थली और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चेन टूट सकती है, तो हम मोटा खर्चा नहीं जाते हैं, तो इसके लिए हम करेंगे चेन को क्लीन और ल्यूप। तो गाइस आप देख सकते हो ये भी हमारी चेन, और चेन को साफ़ करने के लिए काफ़ी चीज़ें हम ले सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और केरोसिन हो गया और चेन क्लीन हो गया। लेकिन पेट्रोल और डीजल मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, पेट्रोल है वो आपके जो चेन के ओरिंग्स होते हैं उसको डैमेज करेगा, ख़राबी आ सकती है, तो मैं रेकमेंड करूँगा केरोसिन लो और मस्त है, मिट्टी का तेल हिंदी में कहते हैं भाई इसको। और क्या करना है, बाइक को रखेंगे हम फर्स्ट गियर पर और ऑन करेंगे एंड सारा केरोसिन इसके ऊपर अच्छे से मारेंगे। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि मैंने इसके ऊपर अच्छे से केरोसिन मार दिया है, एंड अब हम 2-3 मिनट के लिए वेट करेंगे जब तक सारी मिट्टी नीचे ना गिरनी शुरू हो जाए। मैं इसको और अच्छे से लुब्रिकेट करूँगा इससे, क्योंकि बाइक चलाते हुए गियर पर डाल के काफ़ी रिस्की होता है, मैं भी आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगा। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने अच्छे से इसके ऊपर सारा केरोसिन लगा दिया है, एंड हम क्या करेंगे, अब हम ब्रश से इसको टायर घुमा घुमा के अच्छे से साफ़ करेंगे लाइक दिस। अच्छे से ब्रश से साफ कर दिया है। ब्रश से साफ करने का एक छोटा सा जो डिसएडवांटेज वो ये है कि जो छोटा छोटा डस्ट होता है वो बिल्कुल पकड़ कपड़े में ही निकल पाती है वो चीज़। अच्छे से क्लीन तो हो गया सब कुछ, मैं अगर चाहूँ तो उसके ऊपर ल्यूब मारूँ एंड आई एम रेडी टू गो, लेकिन मैं फिर भी मेरी चेन काफ़ी गंदी है, तो मैं अब क्या करूँगा कपड़े से करूँगा। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप कपड़ा लेके भी कर सकते हैं, चेन पॉकेट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से चेन को पकड़ना है एंड देन टायर को धीरे धीरे घुमाना है एंड आपकी चेन जो है उसकी धूल मिट्टी आने लग जाएगी।
तो गाइज आप देख सकते हो चेन पूरी चमक चुकी है, जो पहले यहाँ पे काला था, जो पूरी ये पीली जो पार्ट था पूरा ब्लैक था, अब वो एक्चुअल में येलो निकल के आ चुका है और पूरी चेन चमक चुकी है अगर आप देखो। अब आप बोलोगे भाई ये तो सिल्वर नहीं है, सिल्वर नहीं होती बुलेट एक्स की चेन, ब्लैक कलर की होती है एंड लिटरली पूरी ब्लैक दिख रही है और कोई भी धूल मिट्टी नहीं है। अब बारी आती है इसको ल्यूब करने की, जो कि हम करेंगे। तो गाइस ये रहा वो गियर ऑयल जिसके आप देख सकते हो गियर ड्राइव लिखा हुआ है HP का, और इसका MRP अगर मैं बताऊं तो 270 का है और ये मुझे 170 का पड़ा पूरा 100 रुपये लेस में। एंड इसको अब हम डालेंगे इस छोटे से बॉक्स के डब्बे के अंदर, मुझे नहीं पता आपकी लोकल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, लेकिन इसके अंदर डालेंगे और उसके ऊपर ये लगाएंगे और मस्त ल्यूब करेंगे। ये हो गई इसकी सील ओपन, मैंने इसको गलती से ओवरफ्लो कर दिया, बट मेक श्योर आप ऐसा ना करो। और अब इसको हम क्या करेंगे, चेन जैसे ल्यूब करते हैं स्प्रे डाल के, स्प्रे की जगह हम इसको यूज़ करेंगे। काफ़ी लोग रेकमेंड करते हैं ग्रीस भी, ग्रीस मेरे पास अवेलेबल है लेकिन मैं ग्रीस को यूज़ इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आपकी चेन की ऐसी तैसी कर देगा, ये सुखा देगा चेन को और आपकी चेन पूरी टाइट हो जाएगी और फिर चेन जो चेन सेट है पूरा ख़राब हो जाएगा थोड़े टाइम में, एकदम से आपको नहीं पता लगेगा लेकिन थोड़े टाइम में। अब हम करेंगे इसको ल्यूब, एंड ल्यूब करने का तरीका कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो गाइस आप देख सकते हो कि गियर ऑयल कितना थिक है, मैं ज़रा सा अपने हाथ पे लेके दिखाता हूँ आपको, ये कितना थिक है, बिल्कुल भी पतला नहीं है। 90 नंबर का इसलिए बोला गया क्योंकि थोड़ा थिक होता है एंड आपकी जो चेन है एकदम से नहीं सूखेगी, वरना जो चेन क्लीनर होते हैं चेन ल्यूब होती है उनके अंदर क्या होता है, वो जैसे आप यूज़ करोगे उसके 2-4 दिन के अंदर या 5-7 दिन के अंदर वो चेन पूरी वापस से ड्राई हो जाती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, चेन गीली ही रहेगी। यही थी आज की वीडियो शॉर्ट सिंपल एंड क्रिस्प, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जिसमें मैंने आप लोगों को सिखाया हाउ देसी पीपल्स या फिर हाउ देसी बॉयज डू चेन क्लीनिंग एंड ल्यूब्रिकेशन एट होम, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट। अगर आप लोगों को अभी भी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे मुझसे अपने सारे के सारे डाउट्स पूछ सकते हो। एंड साथ ही साथ जो चेन गियर ऑयल में लाया था उससे मैंने थोड़ी बहुत ल्यूब्रिकेशन जो जहाँ ज़रूरत थी, कैसे जहाँ पे चाबी डालते हैं टैंक के वहाँ पे और सब जगहों पे भी कर दी है, उसका फ़ायदा यही है कि चाबी अटकेगी नहीं। तो मैंने सोचा कि आज एक इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है कर रहे हैं तो लेट्स शेयर इट विद यू गाइस। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड बाइक देखो पूरी चमक चुकी है, जो ब्लैक लोग मुझसे पूछते हैं ना कैसे होता है भाई आपकी बाइक तो पूरी ब्लैक दिखती है यहाँ से भी, तो उसका एक ही आंसर है भाई, पॉलिश आती है 3M की वो यूज़ करो या फिर कोई और पॉलिश आती है वो भी यूज़ कर लो, और ये खाली पॉलिश से ही ये जो लुक है वो रहती है और ये हफ्ते तक ही रहती है, उसके बाद ये भी फेड होने लगता है एंड दोबारा से वही कलर आ जाता है, लेकिन पॉलिश इसीलिए है यार।